हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे जो है छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ भारत के जीके, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और कोई अलग एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, बहुत कम जो है देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग, जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछे गए वो आपके एसआई में पूछा गया है, पीएससी में पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेड जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजी पुलिस के लिए, चाहे आप एसआई, पीएससी, व्यापम, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, फिलहाल तो जो है आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले सेशन में 110 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य दिन आप पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ जनजाति स्टार्ट किया हो, इसके 4 पार्ट अपलोड जो है किया गया है, तो उसको जाके देखिएगा। मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया गया है, हर को पूरा फैक के साथ पढ़ाया हुआ है, और उसके पहले छत्तीसगढ़ की अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो हमें पढ़ाया हुआ है। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपको क्लासेस वगैरह में आप दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल है, जो प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है, अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 310 या आपका अनुच्छेद 311। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद आर्टिकल 310। ये ठीक है, भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है तो आर्टिकल नंबर 310 इसमें जो है प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है या इसके बारे में जो है बताया गया है। तो अनुच्छेद 310 याद रखिएगा, ये प्रसाद का सिद्धांत ये आपका उल्लेखित करता है, ये आर्टिकल नंबर 310, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जरवा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो जरवा जनजाति ये आपके पाई जाती है आपके निकोबार द्वीप में। ठीक है, तो आप देखे होंगे कई बहुत सारे जनजातियों से भारत जो है आपका जो है भरा हुआ है, तो इसी तरह जरवा जनजाति आपका निकोबार द्वीप में पाई जाती है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा होता है, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद या आपका श्वेताश्वर उपनिषद, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है जी, तो इस उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ या सफ़ेद घोड़ा होता है श्वेताश्वर उपनिषद, इसका जो अर्थ यहाँ पे सफ़ेद घोड़ा, इस उपनिषद जिसका मतलब या इसका जो अर्थ श्वेताश्वर उपनिषद का जो है अर्थ यहाँ पे जो है सफ़ेद घोड़ा इसका अर्थ, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर में किस अलंक है, किसे या आपका किसे है, ठीक है, किसे अलंक कह है, तो ये आपके कृष्ण जी को, शिव जी को, काम को या आपके लक्ष्मण को, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा काम। ठीक है, वर्क को भारतीय संस्कृति में अनंग किसे कहा गया है, तो हमारे जो हम काम करते हैं इसको जो है अनंग कहा गया, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किस भारतीय परमाणुवाद का जो है जनक कहा जाता है, महर्षि गौतम जी को, महर्षि कपिल को, महर्षि कड़ाद को या महर्षि पतंजलि को। ठीक है, तो भारतीय परमाणुवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो महर्षि कड़ाद इनको जो है भारतीय परमाणुवाद के जनक इनको कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी, रेलवे वगैरह में, ठीक है, व्यापम में आया हुआ है, तो महर्षि कड़ाद को इनको जो है हमारे भारत के परमाणुवाद के जनक इनको कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारतीय संस्कृति इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम नियम, प्राकृतिक नियम या आपका मानवीय नियम या सामाजिक नियम, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति इंडियन ट्रेडिशन के अंतर्गत रीत का अर्थ यहाँ पे जो है क्या होता है, तो ये जो है प्राकृतिक नियम से है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर, तो प्राकृतिक नियम से संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमसो कान ही आपका माँ है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का कथन मूलतः महाकाव्यों का है या उपनिषदों का है या आपके पुराणों का है या आपके षट दर्शन का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तमसो का जो है ज्योतिर्गमय ये जो कथन आपका मूलतः उपनिषदों का है या उपनिषद से जो कथन यहाँ पे लिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो सत्यार्थ, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो
यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकार के लेखक है, इसका जो लेखन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, भारत के जीके जो बार बार रिपीट होते वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और आपके इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य धन में यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? ताप्ती, कावेरी, महानंदा या चित्रकूटला, या फिर डी चित्रकूटला है। तो अगर देखेंगे महाभारत काल में महानदी को नाम जो है चित्रकूटला था, इसको आपको याद रखना है। तो महानदी का नाम जो है अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जो है जाना जाता था, उसी तरह देखेंगे इसका प्राचीन नाम देखेंगे, ठीक है, प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है कनक नंदनी, ठीक, कनक नंदनी कहा गया है। सती वायु पुराण में इसको ये आपका नीलोत्पला है, वहीं जो है मध्य ये जो चित्रोत्तरकल, मतलब अलग 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 काल के अनुसार ये जो है अलग अलग नाम से यहाँ पे बताया गया है, जिसको आपको याद रखना। अभी जो है हम इसको महानदी के नाम से हम जाते हैं। कई बार इसका अगर देखेंगे महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। हाल ही में जो है आपका हॉस्टन वार्डन में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो इस कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये आपका धमतरी से, धमतरी से कहाँ, तो सिहावा पर्वत के जो फरसिया नामक जो जगह है धमतरी में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका जो है विसर्जन, इसका फाल कहाँ होता है, कटक के उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी में इसका जो है विसर्जन हो जाते हैं। कुल लंबाई की बात करूँ तो लगभग 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, छत्तीसगढ़ में 286 है। कुल लंबाई पूछे तो 858 किलोमीटर 858 और 286 जो है छत्तीसगढ़ की लंबाई है टोटल, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इतना लंबाई यहाँ पे बहती है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि जो है ये जो है लंबाई के तो टोटल पूछे तो ये, और छत्तीसगढ़ में मात्र इतना जो है बहती है, तो इसको आपको याद रखिए। इसके तट पर शहर राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, चंद्रपुर जो प्रमुख दर्शनीय जो स्थल है इसके तट पे आपका बसा हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इसका जो है फ्लो होता है, तो इसका आपको याद रखना है। तो ये सभी प्राचीन नाम अगर आपको कई बार पूछा है, आपका पीएससी प्री में 2016 में पूछा गया है, ठीक है, वायु पुराण में नीरोत्पला, ठीक है, और ये आपका जो है प्राचीन नाम कनक नंदनी, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, डबल स्टार लगा रहा हूँ इसको भी, प्रिय वगैरह व्यापम में आया है। राजनांदगांव का, ठीक है, ये आपका चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? जलप्रपात के कारण, चीता अभ्यारण के कारण, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, या प्राचीन मंदिर के कारण, ठीक है। तो राजनांदगांव जिला का जो चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है हमारी, यहाँ पर जो है पाषाणकालीन, ठीक है, पाषाणकालीन जो है ये यहाँ पे जो है गुफा है जो खास करके शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे ड्रैगन की आकृति के जो है शैल चित्र या चित्र वगैरह यहाँ पे मिला हुआ है, और चीनी कला के जो है अभिव्यक्ति के प्रमाण यहाँ से जो है मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये कई बार पूछा है, करंट अफेयर्स में भी आया हुआ है कि जो है चितवा डोंगरी जो है कौन से जिले में है, तो राजनांदगांव जिले में, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये भी कई बार जो है आया हुआ है, ठीक है, हॉस्टन, ये आपका हॉस्टन वार्डन में 2016 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, प्री 2016 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो ये आपका मैनपाट, सामरी पाट, नारायणपुर या बचेली, ठीक है। तो तिब्बती जो तिब्बत के जो शरणार्थी भारत के द्वारा ये जो है, ठीक है, शरण दिया गया था, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के आपके मैनपाट में आपका बसा हुआ है। मैनपाट आपका जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है, इसको जो है मैनपाट को यहाँ पे छोटा तिब्बत बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं। और सन 1962 में, ये डेट याद रखिएगा, 1962 को ये तिब्बत शरणार्थियों को 1962 में यहाँ पे भारत के द्वारा बसाया गया था। यहाँ से मांड नदी का भी उद्गम होता है, इसका ओरिजिन होता है। यहाँ पर जो कंपनी जलजली क्षेत्र वगैरह यहाँ पे बहुत सी अच्छी जगह है, मैनपाट घूमने लायक, ठीक है, दर्शनीय स्थल, जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, ये सभी यहाँ पे स्थित है। मैनपाट प्राकृतिक के दृष्टि से बहुत ही अच्छी जो है पर्यटन स्थल के रूप में हम जानते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पहला है। सेकेंड है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता राय साहब दानी ने की थी। थर्ड है कि सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श यहाँ पर किया गया था, ठीक है, यहाँ पर कूट यहाँ पर दिया गया है कि जो एक और दो सही हैं, एक दो तीन सही हैं, दो और तीन सही हैं,
केवल एक ही सही है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी केवल एक ही सही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे अनिम्न कथन पर विचार करना है। तो 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के जो है लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र का सबसे अधिक है? सब्जियों का, फलों का, औषधीय पौधों का या पुष्प का? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जो उद्यानिकी क्षेत्र में पूछा गया तो कौन से फसल का जो है सबसे ज़्यादा अधिक है, तो सब्जियों का सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो ये जो है आपके जो है आर्थिक सर्वेक्षण में भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिप सिंचाई योजना। ठीक है जी, ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत के कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 60%, 50%, 40% या 30%? याद रखिए ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है किसान बाड़ी वगैरह यहाँ पे जो है अपने हिसाब से जो है यहाँ पे जो है व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ड्रिप सिंचाई योजना के माध्यम से जो है इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को जो है लागत के कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? लगभग 60% जो है सरकार इसमें जो है अपना जो अपने तरफ से जो है ये अनुदान दिया जाता है किसानों को। ठीक है, जिन लोग यहाँ पे जो है व्यापार करना चाहते हैं, बाड़ी लगाना चाहते हैं सब्जियों का, तो इस तरह जो लगभग 60% जो है ये जो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है सब्सिडी के रूप में। तो ये जो है आपका कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। तो कृषि से संबंधित कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट है आपको जो है पता होना चाहिए, जैसे आपका कोसा अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है, तो ये आपका बस्तर में है। ठीक है जी, साथ ही साथ काजू अनुसंधान केंद्र ये भी आपका जो है बस्तर में है। ठीक है, टोमेटो रिसर्च सेंटर ये जो है आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला का मैन पार्टी। ठीक है, ये टमाटर राजधानी जो लुडेंग जसपुर को कहा जाता है। ठीक है जी, और कोसा जो अनुसंधान केंद्र ये आपका जो है कृषि अनुसंधान के जो केंद्र है आपका रायपुर में है। ये चावल कई बार पूछा है, ठीक है, कि जो है छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो रायपुर के आपके लाभांडी में, इसको आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और है चाय संवर्धन। ठीक है, चाय संवर्धन जो केंद्र आपके छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है कृषि, ठीक है, कृषि मशीनरी परीक्षण जो है प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ की आपका रायपुर पे है, रायपुर में है। एशिया के सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए, जगदलपुर आपके बस्तर में है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। ठीक है जी, और कि जो है कृषि कर्मण पुरस्कार से भी पूछा गया कि कितने बार दिया गया था, 3 बार यहाँ पे दिया गया छत्तीसगढ़ को, तो सभी आपको पता होना चाहिए। कि योजना है जो उसको हम देखते हैं कृषि संबंधित की साकंबरी योजना, ये कई बार पूछा है। ठीक है, लगभग 5-6 बार पीएससी प्री में, फूड इंस्पेक्टर में, असिस्टेंट डायरेक्टर में, लाइब्रेरियन में, स्पोर्ट ऑफिसर में क्वेश्चन 6-7 बार पूछा गया, इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है जी, साकंबरी योजना सुने होंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत, ये डेट याद रखिएगा, साकंबरी योजना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जगह तो नहीं है। ठीक है, सुनिएगा अच्छे से, साकंबरी योजना इसकी शुभारंभ या इसकी शुरुआत जो है 2005 में किया गया था। ये खास करके जो कृषक को, ठीक है, ये जो है पंप के लिए अनुदान राशि यहाँ पे दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है छोटे लघु सीमांत कृषक को लगभग, ठीक है, 0 से लेकर 5 हॉर्स पावर तक के जो है ये सबमर्सिबल जो पंप यहाँ पे, डीजल पंप, पेट्रोल पंप यहाँ पे दिया जाता है। इसमें जो है 75% की छूट यहाँ पे दिया जाता है, और इसमें जो है सरकार के द्वारा इसमें जो है 75% की जो है छूट इसमें दिया जाता है, जिसमें किसानों को जो है सिंचाई में जो है एक तरह का वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। और यहाँ पे जो है सूरजधारा योजना जो बीज की अदला बदली से संबंधित है, कई बार आया हुआ है पीएससी प्री में। एक और योजना है आपका किसान समृद्धि योजना। ठीक है, ये जो है सन 2002 में इसकी शुरुआत किए गए थे। ठीक है जी, तो खास करके किसानों के लिए जो है एक कृषि से संबंधित योजना है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम। साकंबरी योजना को तो आपको भूलना चाहिए नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ये यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। बाकी चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।